रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जहां पर गीत संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत दूर दूर से कलाकार इसमें आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक संगीत जगत की जानी मानी हस्ती, या उनको कहें सुरों की मल्लिका, रेणु पठानिया जी। रेणु जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। अभी जो स्टेज पे आपने एक गीत गाया, बीच बीच में लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, और उसके बाद जो उनकी तालियों की गड़गड़ाहट थी, ये इस बात की गवाह थी कि आपने बहुत सुंदर गाया। ये सब कहाँ से सीखा आपने? देखिए, मैं बचपन से गाती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था, तब टाइम और था, तो शौक या गाती थी, परिवार के प्रोग्राम्स में गाती थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे आवाज़ बहुत अच्छी बख्शी है। मैंने सीखा नहीं है, बस मेरा शौक है और मेरी मेहनत है, जो मैं आज इस एज में भी मैं गा पा रही हूँ। बस ये ईश्वर की बहुत मेहरबानी है मुझ पर, और बहुत दिल से गाती हूँ, गाने को समझ के गाती हूँ, यही मेरी खासियत है बस। आगे इस लाइन में क्या ड्रीम्स हैं आपके? बस जो भी मुझे इनवाइट करेंगे गाने के लिए, मैं ज़रूर गाऊंगी, यही मेरी इच्छा है, और बस जब तक मैं हूँ तब तक मैं गाऊँ, ये ईश्वर से प्रार्थना है बस। खूब, हम चाहते हैं इसी गीत की कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना। वाह, बहुत खूब। आपने सुना रेणु पठानिया जी को। थैंक यू। कलाकारों की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको ढूंढने की, परखने की और सामने लाने की। रूबरू कार्यक्रम का यह प्रयास जारी है और कई कलाकारों को उनके उचित पायदान मिल चुके हैं। हमारी कोशिश लगातार जारी है और जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु पठानिया जी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन राजेश के साथ वीपी शर्मा, INS। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Oh, oh, oh.
छोड़ क्या गया है।